friends of the extended family of the Jamnalal Bajaj Foundation, to whom we owe a deep debt of gratitude for their consistent support year after year. मैं अक्सर अपने आप को पूछता हूँ कि जमनालाल बजाज प्रतिष्ठान क्या है, ये पुरस्कार क्या है, क्यों ये प्रतिष्ठान और ये पुरस्कार श्रद्धामूलक है, स्मृति मूलक है, उद्देश्य मूलक है। इस स्मृति में, इस श्रद्धा में और इन उद्देश्यों में जिस महापुरुष के जीवन और कृतित्व की खुशबू व्याप्त है, उस महापुरुष को श्रद्धांजलि देना मैं अपना पहला कर्तव्य समझता हूँ। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह गांधी जी के उस पांचवें कृति पुत्र के बारे में सब कुछ कह देती है जो हम जानते हैं और जिसकी सुगंध इस पुरस्कार में व्याप्त है। श्री जमनालाल बजाज के दोनों यशस्वी और कर्मठ सुपुत्रों को मेरी श्रद्धांजलि सविशेष है इस अवसर पर। उनके परिवार के सब सदस्यों को मेरा आभार, क्योंकि उन्होंने इस प्रतिष्ठान द्वारा उस महापुरुष के संदेश का एक सार्थक मंच और माध्यम बनाया। श्री राहुल बजाज के नेतृत्व में यह प्रतिष्ठान इस जिम्मेवारी को बेतहरीन रूप से निभा रहा है, इसके लिए हम उनके और सब ट्रस्टी वृंद के बहुत आभारी हैं। किंतु ये पुरस्कार, ये प्रतिष्ठान उस सेवा धर्म की दृष्टि को साकार करता है जो स्वामी विवेकानंद ने और महात्मा गांधी ने और जमनालाल जी बजाज ने देश को, राष्ट्र को, व्यवसायिक समाज को और प्रत्येक नागरिक को दी है। एक नया शास्त्र, सेवा का एक नया शास्त्र इस प्रकार हमारे देश में लोगों के हृदय के सिंहासन पर बैठे। और जो बात अभी मेरे मित्र एयर चीफ मार्शल ने कही, जो कि हमको याद दिलाती है इकबाल के उस शेर की, खुद कि जो कहते हैं कि मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार हो, ये इस प्रतिष्ठान की एक नज़र है। इसकी अंतर्भूत अवधारणा इस पुरस्कार की और इस प्रतिष्ठान की। ऋग्वेद में एक मंत्र है जिसका अर्थ यह है कि जब कर्तव्य की पुकार हो तब तुम सबसे आगे चलो, और उसमें ये कहा है कि जब तुम कर्तव्य की पुकार पर आगे चलोगे तो वेद की ऋचाएँ तुम्हारी कामना करेंगी, यो जागार तम ऋचा कामयन्ते। और तब वेद कहते हैं तुम पृथ्वी और आकाश की तरह विराट बन जाओ। ये प्रतिष्ठान भारत की अस्मिता को पृथ्वी की तरह और आकाश की तरह विराट बनाने का एक छोटा सा विनम्र प्रयास। भारत के पुण्य धराधाम पर गांधी जी एवं जमनालाल जी बजाज हमारे स्मृति पटल पर विराट हैं, शोभायमान हैं, और यह प्रतिष्ठान, यह पुरस्कार उस स्मृति को प्राणान्वित करता है। एक बहुत अच्छे लेखक ने एक बार कहा था, द इविल दैट मैन डू लाइज on the front pages of the newspapers. Sometimes even the evil that people do not do occupies the front pages. And often the good in our lives, in our society, lies deeply buried somewhere else. Our effort is that the evil may remain deeply buried somewhere, but that the good that people do or are capable of doing should be brought to the forefront. That in fact is the rationale of the foundation
and the rationale of these awards, which we respectfully and in all humility present to people who have fulfilled the tryst with destiny, not tryst with destiny of power, but tryst with destiny of service, of humanitarian causes. Humanitarian service is service in at the feet of the divine. It is in the service of humanity or in the cause of compassion that human life is fulfilled. This is something which we must understand when we celebrate every year the work that the great recipients have done, for it is not merely a celebration of the lives of individuals, but it is a celebration of their work. सेवा के लिए त्याग और निष्ठा की जरूरत होती है और महापुरुष की परिभाषा में हमारे शास्त्र में सेवा का आयाम सबसे बड़ा आयाम महापुरुष का पौरुष उसकी सेवा में जमनालाल जी का पौरुष गांधी जी का पौरुष उनके पुरुषार्थ में था उनके उस पुरुषार्थ में था जिससे परोपकार होता है जिससे हर जिंदगी में एक बेहतरी आती है The foundation is all about the dynamics of life, dynamics of service, dynamics of giving all our best to the community which we wish to serve. Thank you very much.